गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स 2022 यानी जून 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, ये मॉडल देखिए, इसको दिया था बॉमल्स ने, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल फॉर्म ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेल्स सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम रेवेन्यू, मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ एंड ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या सही है, क्या सही है? मैं पहले ये क्वेश्चंस का आंसर बताने के पहले इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा। बॉमल्स का जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल है बेसिकली कॉरपोरेट सेक्टर है, कॉरपोरेट। इसमें ओनरशिप एंड ऑपरेशन दोनों में सेपरेशन होता है, यानी फॉर्म को ओन कोई और करता है और उसका ऑपरेशन कोई और करता है, उसको चलाता कोई और है, उसका मैनेजमेंट कोई और देखता है। यानी मैं आपको बताता हूं, मॉडर्न कॉरपोरेशन में जो ओनर होते हैं वो कौन है? शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स। उसको चलाता कौन है बच्चों? मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, ये सारे उसको चलाते हैं। और इसमें जब इस तरह की व्यवस्था होती है, जब इस तरह का सिस्टम होता है, तो जो ऑपरेशनल के हेड होते हैं, जैसे मैनेजर्स हैं आपके पास, सेल्स मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर्स हैं, अब इस तरह के जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इस तरह के जो आप मतलब एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है मार्केट में अपने आप को दिखाना। और कब कैसे दिखाएंगे वो मार्केट में अपने आप को कैसे दिखाएंगे? जब मार्केट का ज़्यादा शेयर उनके पास होगा। यानी सपोज कि 500 यूनिट बेचना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहेगा कि हमारा बिके। हाँ जरूर बात है, प्रॉफिट भी होना चाहिए, एक मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एक मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए बच्चों, सो दैट कि फॉर्म सर्वाइव करे। बाकी प्रॉफिट से उनका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसको वो सेल्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, बता सकते हैं आप लोग आंसर क्या हुआ? इन सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल फॉर्म ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेल्स, मैक्सिमाइज सेल्स सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट। यानी एक मिनिमम प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, एक मिनिमम प्रॉफिट यदि उन्होंने अटेंड कर लिया तो उसके बाद वो सेल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों। प्रॉफिट ना भी हो तब भी चलता है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यदि उन्होंने अटेंड कर लिया तो उसके बाद दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा मॉडल है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ये क्या है? मार्जिनल क्वेश्चन है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज इज फैसिलिटी टू द पुअर बाय गवर्नमेंट, फैसिलिटी टू एससी एंड एसटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को दिए जाने वाला एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा, गरीबों को दिए जाने वाला एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा, और एक मेथड है बोरो करने का, एक मेथड है बोरो करने का, या फिर ये ऑल ऑफ द अबव, क्या है ये? आप लोग बता पाएंगे इसको क्या है? बता पाएंगे आप लोग? नहीं बता पाएंगे ना। ये बेसिकली एक मेथड है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन करता है, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैं आपको बताता हूं वो है क्या एक्चुअली है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है बच्चों, इसका आंसर भी मैं करूंगा आप लोगों को। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है एक्चुअली में ये लास्ट रिजॉर्ट्स है, लास्ट तरीका है किसी बैंक को लोन लेने का। यानी मैंने आपको बोला है कई बार अपने जो मेन कोर्स है उसमें जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को,
तो उसमें मैंने आपको सिखाया है कि जो कमर्शियल बैंक है सेंट्रल बैंक से अगेंस्ट सिक्योरिटी और रिजर्व वो लोन लेता है, पता है ना आप लोगों को, यानी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कुछ गिरवी रखेगा और उसके अगेंस्ट उसको लोन मिलता है रेपो रेट, रेपो रेट पे बैंक रेट भी होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अलग अलग सिस्टम है जिसको हम यूज़ करके जो कमर्शियल बैंक यूज़ करके सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। जनरली SLR जो होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR जो होता है बच्चों, SLR किस में रखा जाता है पता है आप लोग, स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स में। इसमें RBI या सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि आप अपने रिजर्व को किस एसेट्स में रखें, वो स्पेसिफाई करता है कौन, RBI। लास्ट में यदि उन्होंने अपने रिजर्व यानी CRR के अगेंस्ट लोन ले लिया, अपने रिजर्व के अगेंस्ट उसने लोन ले लिया और फिर भी उसको और ज़्यादा लोन चाहिए, यानी कमर्शियल बैंक को और ज़्यादा लोन चाहिए, तो उस केस में वो SLR को गिरवी रख करके, SLR को गिरवी रख करके वो लोन ले सकता है। लेकिन हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हर बैंक को अवेलेबल नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट और बाय लॉ तो है कि हर कमर्शियल बैंक इसके अगेंस्ट सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। RBI या सेंट्रल बैंक सबको, सारे बैंक्स को इसके अगेंस्ट लोन नहीं देता है। उसकी कुछ क्राइटेरिया है जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट सम क्राइटेरिया के अंदर यदि वो बैंक आता है तब उसको SLR के अगेंस्ट लोन मिलता है बच्चों। यानी क्या है बच्चों, ये इट इज़ मेथड्स टू बोरो बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। चलो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प वुमेन्स ऑफ बांग्लादेश टू इंप्रूव देयर स्टेटस। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या यह क्रेडिट यूनियन है, कस्टम यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, या फिर ये सारे के सारे। देखो बच्चों आप याद होगा बांग्लादेश का, जब मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी को जब हम कंपेयर कर रहे थे, अब मेरा जो पेड कोर्स है उसमें जब हम कंपेयर कर रहे थे तो उसमें हमने आपको सिखाया था कि बांग्लादेश में एक कंसेप्ट है माइक्रो फाइनेंस का, वो आपके यहाँ भी है, वो इंडियन इकोनॉमी में भी है, लेकिन वहाँ पे वहाँ की औरतों ने उसका काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि छोटा, आप एक तरह का आप कह सकते हैं कि छोटा बैंक और वो बेसिकली इस तरह का एक मेंबर बेस्ड आधारित है। यानी से मान लेते 100 आदमी 200 आदमी या 400 आदमी मिल करके हर महीने कुछ ना कुछ उस फंड में कंट्रीब्यूट करता है और उस फंड से किसी एक इंडिविजुअल को या दो इंडिविजुअल को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसको लोन दे दिया जाता है और उस लोन से वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है बच्चों। वहाँ की औरतों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों, बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि बीड़ी बनाना, पकौड़े तलना, मुर्गियाँ पालना, बकरी पालना, इस तरह के काफ़ी कुछ उन्होंने किया है और इससे उनका स्टेटस काफ़ी ऊंचा हुआ है बच्चों। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, कंसेप्ट वही का वही है जिसे आप क्रेडिट यूनियन कहते हैं बच्चों, क्रेडिट यूनियन। इसका आंसर है क्रेडिट यूनियन। क्रेडिट यूनियन बेसिकली एक मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में और उसको यूज़ करके किसी उसके एक मेंबर को लोन दे दिया जाता है और वो उसे अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। वहाँ की औरतों को यही ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट यूनियन ने काफ़ी ऊंचा उठाया बच्चों। चलिए अब मैं, लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 4 और आगे बढ़ूँ, एक मेरा एक संदेश सुनिए बच्चों। आपको यदि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है UGC NET JRF इकोनॉमिक्स के लिए रिविजन या फिर मेन कोर्स भी ज्वाइन करें, कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं
और रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन स्टार्ट हो रहा है बच्चों जून 2022 के लिए। तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं बच्चों, आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9910569227 पे, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, व्हाट इज द एल्गी अप्रोच मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे 2022। बेसिकली एल्गी अप्रोच एक थीम है हमारा और इसमें इस तरीके से बात की गई है, एल्गी अप्रोच होता क्या है। तो बेसिकली इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन एक्सट्रीम सिचुएशन, यानी जैसे अभी आपका कोविड आ गया था, या कल को अर्थक्वेक आ जाता है, या बाढ़ आ जाता है, उस सिचुएशन में एक इकोनॉमी अपनी पॉलिसी को किस तरीके से फ्रेम करेगी कि सब कुछ स्मूथ चलता रहो, किसी तरह का क्राइसिस ना हो। तो इसे ही आप एल्गी अप्रोच कहते हैं बच्चों, एल्गी अप्रोच। तो क्या है, कोई ऑप्शन है आपके पास बच्चों? मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन, बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ द नहीं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा? अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन और एक्सट्रीम सिचुएशन बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, एंजल कर्व पूछ रहा है। इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इट मे बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट मे बी अपवर्ड स्लोपिंग। क्या है ये, इसे आप क्या कहते हैं, क्या एक ट्रू है या एक और दो दोनों ट्रू है, या फिर सारे के सारे ट्रू है, क्या है बच्चों? बेसिकली बात तो सही है बच्चों, ये पहला केस देखिए कि ये इनकम एंड डिमांड में रिलेशनशिप बताता है। देखिए प्लीज, आपको याद होगा बच्चों, हमने आप लोगों को कई बार ये चीज़ें कराई हैं बच्चों। देखिए आपका जो एंजल कर्व होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, एक तरफ इनकम होता है और दूसरी तरफ डिमांड होता है बच्चों, एक तरफ इनकम होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डिमांड होता है। तो नॉर्मल गुड के लिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है बच्चों, इन्फीरियर गुड के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ ये घटता है। यदि आपका इन्फीरियर गुड है तो इनकम बढ़ने से ये उस प्रोडक्ट की डिमांड घटती है, तो इसका डिमांड यहाँ पे घट रहा है, देख रहे बच्चों, इसका डिमांड यहाँ पे घट रहा है। और यदि नॉर्मल गुड है तो ये डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, देख रहे बच्चों आप लोग, डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये डिमांड यहाँ बढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये किससे किसके बीच रिलेशनशिप बताता है, इनकम एंड डिमांड के बीच। डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, ये देख सकते हैं आप लोग, एंड अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है बच्चों। तो फिर बच्चों आज की क्लास में इतना ही, समय मुझे परमिट नहीं करता, तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को इतना सारी चीज़ें, इतना कंटेंट आपको दूँ, लेकिन सॉरी समय मुझे परमिट नहीं करता बच्चों। तो फिर बच्चों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों।